नमस्कार दोस्तों, गुड मॉर्निंग। जो कहने जा रहा हूं उसे जो का त्यो यदि हो सके तो अभी के अभी अपने दिमाग में बिठा लीजिएगा, क्योंकि आज की वीडियो के अंदर मैं आपको बिटकॉइन के बारे में डीएक्सवाई इंडेक्स के अकॉर्डिंग जो बात बताने वाला हूं वो आपको किसी भी दूसरे व्यक्ति ने 0% भी दूर दूर तक नहीं बताया होगा, और फ्रेंड्स आपने 1% भी इसके बारे में नहीं सोचा होगा। यकीन मानिए डीएक्सवाई इंडेक्स के अंदर मैं आपको जो बताने जा रहा हूं यदि वो 1% केस के अंदर भी हुआ तो क्रिप्टो में हाहाकार मच सकता है। डरा नहीं रहा हूं, समय से बहुत पहले वार्निंग दे रहा हूं। जो भी बात बताई जाएगी वो पूरे होश में बताई जाएगी और इसके होने की पॉसिबिलिटी मैक्सिमम से भी मैक्सिमम होगी। और तो और फ्रेंड्स, यदि आपके पास में TRX, LTC, शिबा इनू कॉइन है तो फिर इस वीडियो को चाहकर भी मिस मत करना, क्योंकि कोई भी बात व्यूज लाइक के लिए ना बताकर आपको जबरदस्त लेवल की बताई जाएगी। तो फ्रेंड्स आगे आपकी मर्जी, आपने चैनल को सब्सक्राइब कर लिया होगा, टेलीग्राम और इंस्टाग्राम का लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, उन्हें ज्वाइन करना बहुत ज्यादा जरूरी है। और यदि फ्रेंड्स वीडियो अच्छा लग जाए तो प्लीज एक लाइक जरूर दीजिएगा। सबसे पहले हम बात स्टार्ट करते हैं इस वीडियो के सबसे हॉट टॉपिक को लेकर और इस मंथ का सबसे गर्मा गर्म टॉपिक को लेकर, वो है DXY इंडेक्स। इसका चार्ट मैंने प्रेजेंट टाइम पर डेली टाइम फ्रेम पर ओपन कर रखा है। यकीन मानिए अगर आज हमने इसके बारे में नहीं जाना तो हम एक बहुत बड़े ट्रैप में फंस सकते हैं। मेरे भाइयों, DXY इंडेक्स ने डेली टाइम फ्रेम पर इस प्रकार से एक जबरदस्त फॉलिंग वेज चैनल का फॉर्मेशन कर रखा है। फॉलिंग वेज चैनल फ्रेंड्स, यहां पर आप इस चार्ट के अंदर देख सकते हैं स्टार्टिंग ट्रेंड, डाउन ट्रेंड, उसके बाद में यहां पर हमारे को फॉलिंग वेज चैनल देखने को मिल रहा है, लोअर लोस और लोअर हाइज बनते बनते फ्रेंड्स यहां पर फाइनली ये बुलिश होता है और इसका ये ब्रेकआउट करते हुए पहले यहां पर फिर यहां पर देखने को मिल जाता है। अब मेरे भाइयों, यहां पर इसके बारे में क्यों जान रहे हैं, क्योंकि फ्रेंड्स ये जिस प्रकार से काम करता है ना, ठीक इसका उल्टा बिटकॉइन काम करेगा। यानी यदि इसके अंदर पंप आया तो बिटकॉइन के अंदर डंप आएगा, यदि इसके अंदर डंप आया तो बिटकॉइन के अंदर पंप आएगा। और फ्रेंड्स 99% चांस के अंदर ऐसा बार-बार देखा गया है, भले थोड़ा सा टाइम लग जाए लेकिन बिटकॉइन DXY इंडेक्स और S&P 500 इंडेक्स को अच्छी तरीके से फॉलो करता है। अब मेरे भाइयों, यदि यहां पर 1% केस के अंदर या 10% केस के अंदर, देखिए यहां पर जिस प्रकार से ये सपोर्ट ले रहा है, सपोर्ट लेकर ऊपर बढ़ता है, रिटेस्ट करने के बाद में यहां से फ्रेंड्स ये यहां तक देखने को मिलता है, तो मेरे भाइयों यहां पर इतना बड़ा मूव DXY इंडेक्स के अंदर देखने को मिलेगा। और फ्रेंड्स इतनी बड़ी रैली यदि DXY इंडेक्स के अंदर किसी भी कंडीशन में आ गई ना, तो फ्रेंड्स इसका जस्ट उल्टा बिटकॉइन के अंदर यानी कि हाहाकार क्रैश देखने को मिल सकता है। अब हमारे को इसी चीज को फॉलो नहीं करना है, हमारे को फ्रेंड्स ट्रेंड को फॉलो करना है। ट्रेंड हमारे को क्या बता रहा है कि यहां पर बार बार रेजिस्टेंस ले रहा है, तो फ्रेंड्स यहां पर सपोर्ट भी ले रहा है और साथ ही में फ्रेंड्स यहां पर हो सकता है कि इसको थोड़ा सा और आगे तक यह फॉलो करें। तो मेरे भाइयों, यदि इस जोन से नीचे DXY इंडेक्स के अंदर डेली टाइम फ्रेम पर 2 या 3 कैंडल क्लोजिंग हो जाती है तो यहां पर फ्रेंड्स इस बात की हाई से हाई पॉसिबिलिटी होगी कि यह यहां पर इसको अब वापस से सपोर्ट के तौर पर चेक करने के लिए आएगा। यदि यहां पर ऐसा कुछ हुआ तो भी फ्रेंड्स यहां पर बिटकॉइन के अंदर एक अच्छा खासा मूव आ सकता है। तो मेरे भाइयों, यहां पर मैंने आपको जो बात बताई है ना, इसको अब हम बिटकॉइन के चार्ट के माध्यम से समझते हैं। सबसे पहले मैंने बिटकॉइन का चार्ट ओपन कर रखा है 4 आवर के टाइम फ्रेम पर, और इस चार्ट के माध्यम से मैं आपको इस बात का बड़ा प्रूफ दिखाना चाहता हूं कि लास्ट वीडियो के अंदर मैंने आपको बिटकॉइन के बारे में क्या बोला था और अभी क्या हो रहा है। तो फ्रेंड्स आपने प्रूफ देखा, मैंने आपको साफ साफ बोला था और उस टाइम पर प्राइस यहां पर चल रही थी, मैंने आपको बोला था कि चार्ट को ऐड कर रहा हूं और अब अगर बिटकॉइन की प्राइस हमारे को इस जोन में देखने को मिल गई ना तो यहां से मैं लॉन्ग की ट्रेड लूंगा, आप ले सकते हैं। फ्रेंड्स देखिए इस कैंडल की विक ठीक इसी जोन तक देखने को मिली और उसके बाद में बिटकॉइन की प्राइस हमारे को स्पॉट में 1.55% का जबरदस्त प्रॉफिट दे रही है, और जबकि ये ट्रेड यहां पर फ्यूचर्स में दी गई थी। तो मेरे भाइयों, यहां पर अब मैं बिटकॉइन के अंदर नेक्स्ट क्या होगा इसके लिए दूसरा चार्ट ओपन करना चाहूंगा। अब मैंने बिटकॉइन का चार्ट फिर से ओपन कर रखा है 4 आवर के टाइम फ्रेम पर, और जो बात मैं अब आपको बताने जा रहा हूं उसे कान आंख खोलकर अच्छे तरीके से सुन लीजिएगा। देखिए 4 आवर के टाइम फ्रेम पर बिटकॉइन को यहां पर लगातार सपोर्ट मिल रहा था और फ्रेंड्स इसका इसने ब्रेकडाउन किया। उसके बाद में यहां पर सबसे पहले तो बिटकॉइन इस प्रकार से साइडवेज मूव कर रहा है एक बियरिश प्राइस सिग्नल के अंदर, जो कि यह कहता है कि यदि यह काम करेगा तो ऐसी स्थिति में यह यहां पर इसका ब्रेकडाउन करेगा। पहले आपको यहां पर थोड़ा सपोर्ट लेकर ऊपर देखने को मिलेगा, फिर बाद में इस जोन के अंदर सपोर्ट लेकर ऊपर देखने को मिलेगा। अब मेरे भाइयों, यहां पर मैंने आपको DXY इंडेक्स के अंदर जो नेगेटिव बात बताई थी वो फ्रेंड्स यदि होती है तो ऐसी स्थिति में
या यहां पर आएगा ना, तब मैं फ्रेंड्स यहां पर 10% अमाउंट से पहली फ्यूचर्स के ट्रेड लूंगा। और यदि मुझे यहां पर देखने को मिलेगा प्रॉफिट देने के बाद में, तब फ्रेंड्स यहां पर मैं बाकी बचा अमाउंट ट्रेड का लगाऊंगा और यहां पर फिर से एक फ्यूचर्स के ट्रेड लूंगा। अब यहां पर फ्रेंड्स मैंने आपको डीएसवाई इंडेक्स की एक और पॉजिटिव बात यह बताई थी कि यदि मान लीजिए यह 90% उम्मीद के साथ में यहां से गिर जाता है तो मेरे भाइयों यहां पर देखिए इसी बियरिश प्राइस चैनल के अंदर फ्रेंड्स इस प्रकार से देखिए हमारे को एक जबरदस्त फॉलोइंग वेज चैनल देखने को मिल रहा है। तो फ्रेंड्स यदि यहां पर इसका 4 आवर के टाइम फ्रेम पर ब्रेकआउट होता है, अच्छा खासा ब्रेकआउट हो, रिटेस्ट करने के लिए आता है, रिटेस्ट करने के लिए आएगा, तो फ्रेंड्स यहां से मैं लॉन्ग की ट्रेड लूंगा और मैं इसको अपने प्रॉफिट तक यहां तक और फ्रेंड्स यहां तक और यहां तक इसको होल्ड रखने वाला हूं। और यह जो अपडेट है वो सबसे खतरनाक अपडेट है बिटकॉइन का डीएक्सवाई इंडेक्स के अकॉर्डिंग। और फ्रेंड्स अब हम बात करते हैं शिबा इनू कॉइन को लेकर। सबके सब अपनी आंखें खोल लीजिए, कान खोलकर सुन लीजिए। अभी मैंने शिबा का चार्ट ओपन कर रखा है डेली टाइम फ्रेम पर। मेरे भाइयों शिबा के अंदर जो पंप आया वो पिछले 3-4 दिन के अंदर देखने को मिला, लेकिन मैंने आपको इसके बारे में आज से 13 दिन पहले भी बताया था और आज से कुछ दिन पहले भी बताया था एक लॉन्ग टर्म वीडियो में। अब मैं फ्रेंड्स आपको उसी वीडियो का एक जबरदस्त प्रूफ दिखा देना चाहता हूं कि जब इसके अंदर पंप नहीं आया था, जब इसकी कोई भी बात नहीं कर रहा था, तभी मैं आपको क्या बोल रहा था। नेक्स्ट क्रिप्टो को लेकर उसका नाम है शिबा इनू। शिबा इनू भी जबरदस्त तरीके से फट सकता है डेली टाइम फ्रेम पर। इसके अंदर हमारे को बड़ा डाउन ट्रेंड देखने को मिल रहा है, साथ ही में एक फॉलिंग वेज चैनल देखने को मिल रहा है। फ्रेंड्स जब इसके अंदर यह देखने को मिला है तब इसने बहुत अच्छे तरीके से काम किया है। डाउन ट्रेंड इसका यहां पर इस प्रकार से ब्रेकआउट कर सकता है, रिटेस्ट करने के लिए यहां पर आ सकता है और उसके बाद में आपको शिबा इनू यहां पर बहुत आसानी से देखने को मिल सकता है। आपको यहां पर एंट्री कैसे लेनी है, ब्रेकआउट होता है, रिटेस्ट करने के लिए तो पूरा अमाउंट लगा सकते हैं और आप होल्ड यहां तक रख सकते हैं। तो फ्रेंड्स आपने प्रूफ देख लिया, मैंने आपको बोला था कि मैं शिबा इनू को लेकर बुलिश हूं और शिबा इनू यहां पर इसका ब्रेकआउट करने के बाद में आपको इस जोन में आसानी से और ज्यादा गेम हुआ तो इसमें आसानी से देखने को मिल सकता है। क्या इस जोन तक शिबा की प्राइस गई? मैंने आपको बोला था इसका ब्रेकआउट हुआ, रिटेस्ट करने के लिए आया और फ्रेंड्स इसके बाद में फ्रेंड्स यहां से मैं पूरी लॉन्ग की ट्रेड लूंगा। और फ्रेंड्स यहां से जिसने इसको स्पॉट में भी पकड़ा ना उसको यहां तक टोटल 40.21% का जबरदस्त प्रॉफिट हुआ, जबकि ये ट्रेड फ्यूचर्स में दी गई थी। मेरे भाइयों मैं चिल्लाता हूं यह कोई भी मैटर नहीं करता है, मैं क्या बता रहा हूं प्रूफ के साथ में और क्या हो रहा है यह मैटर करता है। तो फ्रेंड्स यदि आप वीडियो को देखते हैं तो आपको ऐसा ही यहां पर मिलेगा। अब इसका मैं दूसरा चार्ट ओपन करना चाहूंगा। अब मैंने फिर से शिबा का चार्ट ओपन कर रखा है 4 आवर के टाइम फ्रेम पर और 4 आवर के टाइम फ्रेम पर शिबा ने इसका ब्रेकआउट किया। उसके बाद फ्रेंड्स यहां पर सपोर्ट लेकर एक जबरदस्त रैली दिखाई और फ्रेंड्स वापस से यहां पर सपोर्ट ले रहा है। देखिए यहां पर 2 बार रेजिस्टेंस मिला था। मेरे भाइयों यदि यहां पर यह सपोर्ट नहीं बना पाता है ना तो यहां पर इसका ब्रेकडाउन करके आपको सीधा देखने को मिल सकता है इस जोन के बीच में। और जब कैंडल की वीक इस जोन के बीच में देखने को मिलेगी तो मैं शिबा के अंदर लॉन्ग की ट्रेड लूंगा और उसे अपने प्रॉफिट तक साथ ही में यहां तक या फिर इस जोन तक होल्ड रखने वाला हूं। अब मेरे भाइयों यहां पर थंबनेल पर बर्बाद लिखा है, इसके पीछे का बड़ा रीजन यह है कि जो भी मैंने आपको शिबा की ट्रेड दी थी वो जबरदस्त प्रॉफिट में चल रही है, आपने प्रूफ देखा। लेकिन फ्रेंड्स अब मैं उस ट्रेड का 80% पोजीशन क्लोज करने वाला हूं, 20% पोजीशन ही होल्ड रखूंगा। मेरे भाइयों आपको यह करने की इसलिए आवश्यकता है क्योंकि यदि बिटकॉइन के अंदर थोड़ा सा भी डंप आया तो मेरे भाइयों यहां पर डोमिनेंस के अकॉर्डिंग जो भी ओल्ड कॉइंस है वो जबरदस्त तरीके से गिर सकते हैं और शिबा की प्राइस वहीं पर आ सकती है। तो यह शिबा का जबरदस्त अपडेट है। अब हम बात करते हैं एलटीसी लाइट कॉइन को लेकर। अब मैं आपको इसके बारे में नेक्स्ट लेवल की बात बताऊं, उससे पहले मैं आपको इस बात का बड़ा प्रूफ तो दिखा दूं कि एलटीसी की होल्डिंग से पहले मैंने आपको आज से कुछ ही दिन पहले क्या बोला था और अब क्या हो रहा है। यदि किसी गेम के चलते यहां पर फ्रेंड्स इसकी प्राइस के अंदर डंप आता है और इससे नीचे कैंडल क्लोजिंग देता है तो फ्रेंड्स ऐसी स्थिति में एलटीसी की प्राइस हमारे को इस जोन में देखने को मिलेगी और मैं इस जोन से भी एलटीसी के अंदर लॉन्ग की ट्रेड लूंगा। तो फ्रेंड्स आपने प्रूफ देखा, मैंने आपको साफ-साफ बोला था कि यदि किसी भी केस के अंदर आपको लाइट कॉइन एलटीसी के प्राइस इस जोन में देखने को मिल जाए ना तो यहां से आप उठा लीजिए लॉन्ग की ट्रेड के साथ में। मैंने उठाया, जिसने वीडियो को देखा, जिसने उठाया उसको फ्रेंड्स एक नहीं दो नहीं यहां तक टोटल स्पॉट में 8.03% का जबरदस्त प्रॉफिट हुआ, जबकि ट्रेड किसकी थी, फ्यूचर्स की थी। अब कितना तगड़ा प्रॉफिट हुआ आप सभी को पता है। अब उसके बाद में भी यदि आप आंखें बंद कर ले तो उसका मैं कुछ नहीं कर सकता। अगर आपके पास में अपनी ईमानदारी है तो फ्रेंड्स कमेंट करके बताएं कि आज तक जितनी ट्रेड दी गई है फ्रेंड्स उनके अंदर दम था या नहीं। अब मेरे भाइयों इसका नेक्स्ट लेवल का चार्ट ओपन करना चाहूंगा। फ्रेंड्स मैंने एलटीसी का चार्ट ओपन कर रखा है डेली टाइम फ्रेम पर। मेरे भाइयों जबरदस्त चीज बता रहा हूं, ध्यान से समझिएगा। देखिए 5 अगस्त 2019 को एलटीसी की होल्डिंग हुई और उसके बाद में एलटीसी के प्राइस के अंदर क्या हुआ वो आप आसानी से देख सकते हैं। सपोर्ट इसने इस ट्रेड लाइन के आसपास बनाया। अब मेरे भाइयों यहां पर
1 अगस्त 2023 को इसकी होल्डिंग हुई, उसके बाद में क्या अब एलटीसी की प्राइस 2019 की तरह डंप कर सकती है? तो फ्रेंड्स आंसर मिलेगा यस। अगर फ्रेंड्स यहां पर बिटकॉइन के अंदर डंप आता है ऐसी स्थिति में, साथ ही में यहां पर इसके अंदर जो बेयरिश प्राइस सिग्नल देखने को मिल रहा है और यह बेयरिश तरीके से काम करता है, ऐसी स्थिति में भी यहां पर यह इसका ब्रेकडाउन करने के बाद में इसी ट्रेंड लाइन के आसपास सपोर्ट लेते हुए हमारे को देखने को मिल सकता है। और जब इस जोन में यह डेली टाइम फ्रेम पर आएगा तो मिड टर्म के लिए मेरी इसके अंदर यहां पर फर्स्ट एंट्री होगी। अब मेरे भाइयों यदि इसके अंदर थोड़ा सा गेम होता है डंप से पहले तो उसके लिए मैं दूसरा चार्ट और ओपन करना चाहूंगा। अब मैंने एलटीसी का चार्ट ओपन कर रखा है 4 आवर के टाइम फ्रेम पर और यह चार्ट हमारे को साफ साफ बता रहा है कि होल्डिंग से पहले ही एलटीसी इस प्रकार से एक जबरदस्त बुलिश सिग्नल के अंदर मूव कर रहा था। एक बार इसका ब्रेकआउट हुआ और वापस से यह इसी के अंदर मूव करने लगा है। मेरे भाइयों यदि किसी 1% केस के अंदर गेम होता है तो ऐसी स्थिति में यह इसका ब्रेकआउट करेगा। अब आपको छोटे से ब्रेकआउट पर फंसना नहीं है, मैं इसके अंदर जब अच्छा खासा ब्रेकआउट होगा ना और जब इसके अंदर रिटेस्ट आएगा ना तब यहां से लॉन्ग की ट्रेड लूंगा और उसके बाद मैं इसको अपने प्रॉफिट तक यहां तक होल्ड करूंगा। आप देख सकते हैं। और फ्रेंड्स मान लीजिए यहां पर एलटीसी के अंदर डंप होता है तो ऐसी स्थिति में फ्रेंड्स यहां पर एक बार और सपोर्ट ले सकता है, लेकिन यदि कैंडल की विक इस लेवल से नीचे देखने को मिलेगी ना तब सिर्फ मैं 10% अमाउंट के साथ में यहां से लॉन्ग की ट्रेड लूंगा। लेकिन यदि किसी केस में यहां पर देखने को मिली कैंडल की विक, फ्रेंड्स यहां पर बाकी बचे अमाउंट से मैं लॉन्ग की ट्रेड लूंगा और फ्रेंड्स ये दोनों ट्रेड मैं अच्छे खासे प्रॉफिट के अंदर निकालने की कोशिश करूंगा। अब हम बात करते हैं टीआरएक्स ट्रॉन कॉइन को लेकर। देखिए सबसे पहले मैंने इसका चार्ट ओपन कर रखा है डेली टाइम फ्रेम पर यह इस प्रकार से जबरदस्त तरीके से एक असेंडिंग चैनल के अंदर मूव कर रहा है। आप देखिए कितनी बार इसने यहां पर सपोर्ट लिया है और फ्रेंड्स अभी भी मुझे यहां पर ऐसा लग रहा है कि यहां पर यह सपोर्ट लेने के लिए आ सकता है। आता है तो इसके अंदर किस प्रकार से ट्रेड लेनी है बता दूंगा, यहां से ऊपर जाता है किस प्रकार से ट्रेड लेनी है अभी नेक्स्ट चार्ट के अंदर बता दूंगा। लेकिन मेरे भाई हो यहां पर सपोर्ट लेने के बाद में यहां पर सपोर्ट लेने के बाद में यहां पर और फ्रेंड्स यहां पर सपोर्ट लेने के बाद में यहां पर, तो फ्रेंड्स यदि यहां पर इसी प्रकार से अब यह सपोर्ट लेकर यहां पर किसी भी कंडीशन के अंदर यहां तक जाता है तो फ्रेंड्स हमारे को यह चीज देखने को मिल सकती है। तो फ्रेंड्स अब इसका दूसरा चार्ट ओपन करना चाहूंगा। तो फ्रेंड्स अब मैंने टीआरएक्स ट्रॉन का चार्ट ओपन कर रखा है 4 आवर के टाइम फ्रेम पर। 4 आवर के टाइम फ्रेम पर हमारे को इसके अंदर इस प्रकार से देखने को मिल रहा है एक फॉलिंग वेज चैनल। यदि यहां पर यह काम करता है, इसका ब्रेकआउट करता है, अच्छा खासा ब्रेकआउट हो, छोटे से ब्रेकआउट में नहीं फंसना है, आपकी मनी है, आपको ध्यान रखना है। और फ्रेंड्स जब यह रिटेस्ट करने के लिए आए तब यहां से मैं लॉन्ग की ट्रेड लूंगा अपने प्रॉफिट तक और यहां तक और इससे ऊपर तक इसकी प्राइस जा सकती है, मैं इसको होल्ड रखने वाला हूं। लेकिन मेरे भाइयों यदि बिटकॉइन के अंदर ही डंप आ जाता है, डोमिनेंस ही यहां पर और अच्छी तरीके से काम कर जाती है तो फ्रेंड्स ऐसी स्थिति में यहां पर इसका ये ब्रेकडाउन करके आपको कैंडल की विक यहां पर देखने को मिल सकती है और मैं पहली 20% अमाउंट से ट्रेड यहां पर लूंगा और फ्रेंड्स बाकी बचे अमाउंट के अंदर ट्रेड मैं इस जोन से लूंगा और फ्रेंड्स ये दोनों ट्रेड मैं जबरदस्त तरीके से प्रॉफिट के अंदर निकालने वाला हूं। और इस प्रकार से आज का यह सुपर लाजवाब वीडियो था। मेरे भाई यकीन मानिए बहुत बहुत मेहनत लगी है, अब तो इस बात के लिए लाइक कर दीजिए, आगे आपकी मर्जी। फिर मिलता हूं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत, बाय बाय, टेक केयर।